शाबाश। सो ये सारी चीजें ऑड एंड इवन कॉन्सेप्ट्स हैं, एंड उसके बाद जो है ये सारी चीजें हम लोगों ने पढ़ा था, सब्ट्रैक्शन एंड डिस्ट्रीब्यूशन ऑफ मल्टीप्लिकेशन ओवर एडिशन, ये सारी चीजें हम लोगों ने पढ़ी थी, एंड ऑड एंड इवन नंबर का कॉन्सेप्ट पढ़ा था, एंड उसके बाद हम लोगों ने असेंडिंग डिसेंडिंग ये सारी चीजें पढ़ी थी, और नंबर्स का भी देखा था हम लोगों ने, फ्रैक्शन पार्ट भी समझे थे कि भाई फ्रैक्शंस कौन कौन से होते हैं, ये याद है आप लोगों को पक्का? ये सारी चीजें हम लोगों ने जो है ना पढ़ी थी, ठीक है। और आप लोगों को बहुत ज्यादा एक्टिव रहना है, मैं बता रहा हूँ अभी अभी आप लोगों को बहुत ज्यादा एक्टिव रहना है, ये मिक्स फ्रैक्शन वगैरह सारे पढ़े थे, याद है आप लोगों को, और विच ऑफ द फॉलोइंग, ये मैंने क्लास असेसमेंट का दिया था, एंड उसके बाद आप लोगों को ऑब्वियसली मैं थोड़ा सवाल करूंगा फिर मैं आगे बढ़ूंगा, ठीक है। अच्छा लुक 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 लुक, शाबाश, इधर देखिए, अब मैं अगर आप लोगों से सवाल करूंगे भाई, अरे भाई सॉरी, मैं थोड़ा इसको कनेक्ट कर लूँ, कनेक्टेड नहीं है, एक मिनट जरा, मेरे पास पैड होता है ना, वो पैड कनेक्टेड नहीं है, मैं ऐसे ही चला रहा हूँ, जरा एक मिनट, जरा रुकिए रुकिए, शाबाश, एक मिनट एक मिनट एक मिनट, रुकिए जरा, शाबाश। अगर मैं आप लोगों से सवाल करूं कि भाई मिसाल के तौर पे सवाल है कि मुझे कोई बताएगा कि 3/4 है ये प्रॉपर है या इम्प्रॉपर है? जी प्रॉपर प्लीज 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 जल्दी बी क्विक, फ्रैक्शन इट इज अ है, प्रॉपर फ्रैक्शन, प्रॉपर प्रॉपर फ्रैक्शन है, क्योंकि ये छोटा है न्यूमरेटर डिनोमिनेटर, इज प्रॉपर है ना, शाबाश गुड हो गया। अब मुझे कोई बताएगा 5/6 बड़ा है या 3/4? शाबाश जल्दी गुड, कौन सा ग्रेटर है सर, पक्का? 5.6 क्यों? क्योंकि ये आप मल्टीप्लाई ऐसे करेंगे तो 20 होगा, और ये ऐसे करेंगे 18 होगा, तो 20 बड़ा है, तो ऑब्वियसली 5/6 विल बी द ग्रेटर वन, ठीक है। तो ये आप लोगों को ऑब्वियसली मैंने कल आप लोगों को बता दिया था, और ऑब्वियसली आप लोगों को इतना तो समझ आ गया होगा, और होप सो कि आप लोगों को अच्छे से समझ आ भी रहा है। गेटिंग, आज हम लोग थोड़ा असेंडिंग डिसेंडिंग को आगे बढ़ाएंगे, असेंडिंग डिसेंडिंग देखी, ये सारी चीजें याद है आप लोगों को, असेंडिंग डिसेंडिंग थोड़ा मैं हम लोगों ने, मैंने टॉपिक भी लिखा था ये वाला, देखें ये टॉपिक भी मैंने लिखा था, और इसी टॉपिक को थोड़ा आज हम लोग थोड़ा डिस्कस जब करेंगे तो ऑब्वियसली आप लोगों को थोड़ा बहुत समझ भी आ जाएगा। भाई देखें, हम लोग क्या डिस्कस कर रहे थे भाई, असेंडिंग एंड डिसेंडिंग, देखिए आप लोगों को तो पता चल गया कि भाई दो रेशनल जोन तो वो कैसे असेंडिंग डिसेंडिंग में आते हैं, ठीक है, दो रेशनल जोन अगर, तो अब देखिए मिसाल के तौर पर मैं आप लोगों को कहता हूँ कि भाई 2/3, ठीक है, 5/6 एंड 7/9, ये दोनों को मतलब तीनों नंबर्स कौन से हैं, प्रॉपर है इम्प्रॉपर है? प्रॉपर नंबर्स हैं, मतलब प्रॉपर हैं, रेशनल जो भी हैं फ्रैक्शन, ये प्रॉपर फ्रैक्शन हैं तीनों के तीनों। अच्छा ये अगर प्रॉपर सर, फ्रैक्शन है तो इसको असेंडिंग सीरीज में कैसे लें? असेंडिंग से मुराद क्या है, मैंने बताया था ना आप लोगों को, अच्छा अभी बता रहा हूँ, नॉन वरी मैंने नहीं बताया था। देखिए असेंडिंग से मुराद होता है, अगर आप लोग सिंधी में कहेंगे तो चाढ़ी चढ़न, अगर मतलब उर्दू में कहेंगे तो चाढ़ी चढ़ना ऊपर, ठीक है, तो असेंड ऊपर, ऊपर की तरफ जाना। जब आप ऊपर की तरफ जाते हैं सबसे पहले आपको पहली सीढ़ी पार करनी पड़ती है, फिर दूसरी, फिर तीसरी, फिर चौथी, ऐसे करना पड़ता है जब ऊपर की तरफ जाते हैं आप, तो मतलब की बात यह है कि सबसे पहले आप ये वाला पोर्शन, सबसे पहले छोटा, फिर उसके बाद बड़ा, फिर उसके बाद बड़ा, लास्ट में जब आपका ग्रेटेस्ट आ जाता है असेंडिंग सीरीज में, सबसे छोटा पहले आता है। अब डिसेंडिंग की अगर बात करें तो डिसेंडिंग यूं होता है, मतलब सबसे पहले क्या होता है, बड़ा, फिर उसके छोटा, फिर छोटा, आखिर में सबसे छोटा आता है, समझ आ रही है? अब कैसे होगा ये, होगा कैसे, इधर देखिए जरा मैं बता रहा हूँ ये होगा कैसे। लोग अब लेट से कि मैं आप लोगों को एक चीज बता रहा हूँ, इधर देखिए शाबाश, अगर सवाल हो तो मुझसे बाद में पूछ लें, ठीक है, मैं बता रहा हूँ। लेट से कि मैं कहता हूँ कि भाई -2 है, 0 है, 4 है, ठीक है, -3 है, 6 है। अब इसको असेंडिंग सीरीज में अगर लाऊंगा ना, मैं असेंडिंग सीरीज में अगर लाना चाहूंगा तो मैं क्या करूंगा सबसे पहले, सबसे पहले इस 2 को कंपेयर करें 0 के साथ, कौन सा छोटा है? जी -2 इज लेस देन 0, एक -2 बात याद रखिएगा, -2 -2 माइनस टू जो है ना, फिर दूसरे के साथ कंपेयर करें जो छोटा है, जो क्या कह रहा हूँ छोटा है, जो छोटा है कौन सा, -2, तो -2 फिर इसके साथ कंपेयर करो, अब कौन सा छोटा है, चलो -2 छोटा है, अब भी -2, दोनों -2 को फिर इसके साथ जो छोटा है उसको इसके साथ कंपेयर करो, -2 छोटा है, -3, -3 छोटा है, तो -3 आप इसको खत्म करें, -3 को फिर इसके साथ कंपेयर करो, अब सबसे छोटा कौन सा निकला, -3, तो -3 आप लिख दो इधर, अब -3 गया, बच कौन सा गया, -2, 0, 4, 6, अब सबसे छोटा निकाल दिया, अब देखो इसको कंपेयर करो 0 के साथ, कौन सा छोटा है, -2, -2 को फिर इसके साथ कंपेयर करो, -2 छोटा है, -2 को फिर 6 के साथ कंपेयर करो, -2 छोटा है, तो दूसरा छोटा कौन सा, -2 निकाल दिया।
फिर कौन सा बचा, जीरो फोर है, जीरो जीरो फोर सिक्स को कंपेयर करो इसके साथ, कौन सा जीरो छोटा आएगा, फिर सिक्स के साथ कंपेयर करोगे तो जीरो छोटा आएगा, इसके इधर आप लोगों ने लिख लिया। फिर फोर और सिक्स तो कौन सा छोटा है, फोर, अब इधर फोर आ गया, फिर आपका सिक्स आ जाएगा, ये आपको आप लोगों की असेंडिंग सीरीज आ गई, असेंडिंग, ठीक है। अभी असेंडिंग सीरीज है, अब डिसेंडिंग क्या होगी, उल्टा, मतलब छ चार जीरो माइनस टू माइनस थ्री, समझ आ रही है, ये आपका सिस्टम होगा, सर। गेटिंग माय पॉइंट। तो ये आप लोगों के पास ऐसा सिस्टम है, गेटिंग। सो लुक 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 लुक, शाबाश शाबाश शाबाश, इधर देखिए, ऐसे ही ये जो फ्रैक्शनल पार्ट है ना, फ्रैक्शंस होते हैं, उसी को हम लोग जब मतलब ऐसा समझें कि सॉल्व करते हैं असेंडिंग या डिसेंडिंग में, वो भी ऐसे ही करते हैं। सबसे पहले आप क्या देखेंगे, मैं एक एग्जांपल दूं आप लोगों को मिसाल के तौर पे, दूसरा भी एग्जांपल अगर अगर मैं इधर लिख दूं मिसाल के तौर पे, ये नंबर फर्स्ट है, नंबर सेकंड इधर लिख रहा हूँ, मिसाल के तौर पे मैं कह रहा हूँ टू अपॉन फाइव है, सिक्स अपॉन सेवन है, उसके बाद मैं लिख रहा हूँ कि भाई नाइन अपॉन टू है। देर आर हाउ मेनी क्वेश्चन, देर आर टू क्वेश्चन, नंबर फर्स्ट ये है आप लोगों का, नंबर सेकेंड आप लोगों का ये पूरा है। देखिए सबसे पहले आप क्या देखेंगे, सबसे पहले आप देखेंगे इम्प्रॉपर तो नहीं है, क्योंकि सारे के सारे क्या है, प्रॉपर है, ये भी प्रॉपर है, ये भी प्रॉपर है, ये भी प्रॉपर है, इन तीनों में देखें कोई इम्प्रॉपर तो नहीं है, क्योंकि इम्प्रॉपर तो सबसे बड़ा होगा ना, प्रॉपर से, प्रॉपर सबसे इम्प्रॉपर बड़ा है, इम्प्रॉपर तो है नहीं, तो ये सारे के सारे प्रॉपर है, इम्प्रॉपर होगा तो वो लास्ट में ही आएगा, लास्ट में क्यों आएगा, क्योंकि वो सबसे बड़ा है, सबसे बड़ा है असेंडिंग सीरीज में, लास्ट में ही आएगा। अभी इधर देखें, अब क्या करेंगे, इम्प्रॉपर नहीं है तो प्रॉपर भी अगर जाते हैं हम लोग, तो क्या करेंगे, सबसे पहले टू अपॉन थ्री और फाइव अपॉन सिक्स को कंपेयर करें, इसको इसके साथ मल्टीप्लाई करेंगे तो 12 होगा, 3 को इसके साथ 15 होगा, छोटा कौन सा निकला, ये 2 अपॉन 3 छोटा निकला ना, अब 2 अपॉन 3 को 7 अपॉन 9 के साथ कंपेयर करो, मल्टीप्लाई करो, कौन सा निकला 21, ये इसके साथ मल्टीप्लाई करोगे तो 18 निकलेगा, तो सबसे छोटा कौन सा है, 2 अपॉन 3, तो 2 अपॉन 3 इधर लिख दो। अब कौन से बचे हैं, 5 अपॉन 6 और 7 अपॉन 9, 5 अपॉन 6 कॉमा 7 अपॉन 9 अगर ये आ गया तो फिर से कंपेयर करो कितना होगा, 42, 45, कौन सा छोटा निकला, सेवन अपॉन नाइन, जी, कौन सा छोटा निकला यहाँ से, 7/9 सर। 7/9 छोटा निकला, तो सेकंड कौन सा आएगा, 7/9 देन 5/6 आएगा, समझ आ रही है, ये आप लोगों की क्या है, असेंडिंग सीरीज है, व्हाट इट इज, असेंडिंग, असेंडिंग सीरीज, गेटिंग, ये क्या निकली, असेंडिंग सीरीज। अब ऑब्वियसली डिसेंडिंग करने के लिए, डिसेंडिंग सीरीज में इसको चेंज करने के लिए अब क्या करेंगे, आप उल्टा करेंगे, फॉर डिसेंडिंग क्या होगा, 5/6 7/9 7/3 कॉमा 2/3, ये आप लोगों की सीरीज कौन सी है, डिसेंडिंग सीरीज है, व्हाट इट इज, डिसेंडिंग, ये क्या डिसेंडिंग सीरीज होगी, समझ आ रही है, ये क्या डिसेंडिंग सीरीज आ गई, चलें चले चले ठीक है। अब इसको अगर हम लोग सॉल्व करते हैं, तो अब अगर 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 इसको अगर हम लोग सॉल्व करें मिसाल के तौर पे, इसको सॉल्व कैसे करेंगे, इधर देखिए, सबसे पहले मैंने क्या कहा, करना क्या है, सबसे पहले आप लोगों को इम्प्रॉपर फ्रैक्शन देखना है, तो इम्प्रॉपर कौन सा है, ये खड़ा है, इसका मतलब है ये तो आपका लास्ट में आएगा, क्योंकि वो सबसे बड़ा है, इम्प्रॉपर इट इज, इम्प्रॉपर। चले इधर देखिए जरा, अब ये तो लास्ट में आएगा, ये तय करने के, इन दोनों में तो छोटा कौन सा है, मल्टीप्लाई करें इसको इसके 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 साथ, ये 14 होगा, टू ये बाय फाइव होगा 30 होगा, कौन सा छोटा है, 14 अपॉन 5, सॉरी आई एम सॉरी आई एम सॉरी आई एम सॉरी, एक मिनट एक मिनट, 2/5, फिर कौन सा आएगा, 6/7, ये ऑलरेडी किसमें है, ये ऑलरेडी किसमें है, ऑलरेडी असेंडिंग में है, समझ आ रही है, तो डिसेंडिंग क्या होगा, डिसेंडिंग 9/2, 6/7 एंड 2/5, ये आप लोगों को क्या है, डिसेंडिंग है, ये आप लोगों को क्या है, डिसेंडिंग सीरीज है। आर यू गाइस गेटिंग डन, यस सर, डन। शाबाश, बहुत अच्छे। अच्छा अब ये तो असेंडिंग डिसेंडिंग हो गया ना, और ऑब्वियसली इवन और ऑड का भी हो गया आप लोगों के पास, मुझे क्यों बताएगा कि 6x+3 जो है ये क्या इवन है ऑड है, या सिक्स एन कर दें, कोई बात नहीं, ये एक्स या एन कोई भी नंबर है, गेटिंग। इवन नंबर सर, इवन हाँ इवन शाबाश, इवन होगा, सर, शाबाश हार्ड होगा ना सर, शाबाश, गुड, कोई और लगाए, शाबाश, दिनों और देखिए मैं बता रहा हूँ बता रहा हूँ बता रहा हूँ, याद रखिएगा, आप लोगों को याद है कि नहीं याद है, कि क्योंकि सिक्स इवन के साथ कुछ भी मल्टीप्लाई होगा तो इवन होगा, सिक्स सिक्स क्या हो गया, इवन,
सिक्स सिक्स क्या होगा? इवन होगा। शाबाश, सिक्स सिक्स क्या होगा? इवन होगा। अगर ये सिक्स सिक्स इवन है, अगर ये सिक्स सिक्स इवन है, तो इवन के साथ अगर ऑड ऐड करेंगे, क्योंकि ये ऑड है ना, इवन प्लस ऑड किसके बराबर होता है, तो करके देख लो, सिक्स प्लस मिसाल के तौर पे थ्री अगर करूं तो नाइन होगा ना, ऑड होगा, तो ये ऑड होगा। ये हम लोगों ने पढ़ा था, अगर याद हो आप लोगों को, तो याद नहीं है आप लोगों को, प्रैक्टिस नहीं करी। जी जी सर, कैन यू रिपीट? आप पिछली क्लास में नहीं थी? सर सिर्फ यही समझ नहीं आया। ठीक है, मैं बता रहा हूँ, एक मिनट एक मिनट। जवेरिया, आई थिंक आपने पिछली क्लास रिकॉर्डिंग सुनी है, आई थिंक यू आर जवेरिया, ठीक है ना? मैंने रिकॉर्डिंग सुनी है, जी, मैं भी नहीं थी, मेरी आज फर्स्ट क्लास है मैथ की। यही मसला है ना, तो ऑब्वियसली रिकॉर्डिंग अगर सुनेंगे ना, तो ऑड इवन का पता चल जाएगा आप लोगों को, समझ तो आ सर रही है? मैंने बताया, मैंने रिकॉर्डिंग सुनी हुई है और मैंने बताया ठीक से। आप अच्छा, मतलब सही है ना, मतलब सही है ना, अंडरस्टैंड कर लिया ना? से कोई और पूछ रहा है? वो पता नहीं कौन है, आपकी नहीं माइक ओपन की हुई है ना जवेरिया? ठीक है नहीं ठीक, सर, मैंने कोई बात नहीं कोई बात नहीं। जी, और पता नहीं कौन है। अच्छा जवेरिया, सुमरू भी इधर है माशाल्लाह। ठीक है, चले थोड़ा आगे 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 की तरफ मूव करते हैं, आगे की तरफ मूव करते हैं, डोंट वरी। अच्छा इधर देखियो, जरा इधर देखियो। अब मैं दूसरा का टॉपिक स्टार्ट करूँ। ये देखिए असेंडिंग डिसेंडिंग है, मैं लास्ट में सवाल भी दूंगा आप लोगों को, डोंट वरी। वो थोड़ा आप लोगों को तंग करेंगे सवालात भी, तो मैं आप लोगों को थोड़ा बहुत और कॉन्सेप्ट दे देता हूँ। देखिए असेंडिंग डिसेंडिंग आप लोगों का हो गया, और उसके बाद रेशनल नंबर्स का भी हो गया, मतलब फ्रैक्शंस का ये भी हो गया, ऑड इवन का कॉन्सेप्ट भी हो गया। अब मैं आप लोगों को ना डेसिमल्स पढ़ाऊंगा। डेसिमल्स आर वेरी इंपॉर्टेंट, और जो कि आप लोगों के लिए बड़ा ऐसा समझें कि एक असासा हो गए, और उम्मीद है आप लोग डेसिमल को अच्छे से गेन कर पाएंगे। अब हम लोग क्या पढ़ने जा रहे हैं? डेसिमल्स पढ़ने जा रहे हैं, समझ आ रही है? अब ये डेसिमल्स जितना आप लोग समझ रहे हैं ना, उतना मतलब आसान नहीं है। डेसिमल को देखिए, ये डेसिमल आसान थी, डेसिमल क्या मना ही क्यों होगी, सफा मना आसान तो थी, है ना? डेसिमल आसान नहीं है इतना। सो डेसिमल को हम लोग थोड़ा क्रिटिकली आज पूरे क्लास में डिस्कस करेंगे। जस्ट एक मिनट। सो सो लुक, सॉरी 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 फॉर दैट। सो इधर देखिए जरा, अब मैं बताऊं डेसिमल्स। तो डेसिमल्स देखिए, सबसे पहले मैं आप लोगों को बताऊं ना कि डेसिमल्स का अगर मैं यहाँ पे एग्जांपल लिखूं कि भाई लेट्स से 0.246 है, या दूसरा एग्जांपल लिखता हूँ मैं, तो यहाँ पे लिखूं अगर मैं कि भाई 2.569 है, तो याद रखिएगा ये डेसिमल्स में देखें, ये जो पार्ट है ये आप लोगों का पार्ट होता है डेसिमल। ये कौन सा पार्ट है? ये आपका डेसिमल पार्ट है। ये पार्ट कौन सा? ये आप लोगों का होल पार्ट है। कौन सा पार्ट है? होल पार्ट है। ये आप लोगों का होल पार्ट होता है, ठीक है? ये डेसिमल है, ये होल पार्ट है। तो इस दर होल पार्ट कितने हैं? टू, ठीक है? ये होल है, ठीक है ना? ये होल है। अब डेसिमल क्या है? डेसिमल में ये 569 है, डेसिमल है ये। तो याद रखिएगा डेसिमल में जो है आप लोगों का डेसिमल, अब होल पार्ट कैसे पढ़ेंगे? 0.246, 246 नहीं पढ़ेंगे, बस 146 नहीं पढ़ेंगे आप लोग, 246 पढ़ेंगे। नंबर टू में अगर मैं देखूं तो 2.569 पढ़ेंगे, 559 मतलब 69 नहीं पढ़ेंगे आप लोग, या 559 मतलब 69 ना पढ़ देता, 2.569 पढ़ेंगे, 569 पढ़ दो, ठीक है? नहीं इसको, क्योंकि ये पैसाज में आता है, पैसा में नहीं आता, या रुपये में नहीं आता, ठीक है ना? पैसाज में आता है, ठीक है? लुक, अब ये तो डेसिमल का थोड़ा बहुत कॉन्सेप्ट हो गया ना, चले मैं थोड़ा आगे बता देता हूँ आप लोगों को, डन। अच्छा इधर देखिए जरा, मैं अब थोड़ा टाइप्स पे जाऊंगा। अब टाइप्स ऑब्वियसली आप लोगों को बताने के लिए कि भाई इधर मैं अगर आप लोगों को बताऊं, थोड़ा आप तकड़े हैं ना, इधर फोकस तो कर रहे हैं आप लोग, प्लीज 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 जस्ट से यस और नो, आर यू फोकस्ड? यस सर, क्या बस, यस बहुत अच्छे बहुत अच्छे बहुत अच्छे बहुत अच्छे, सर, बस हंसते रहे मुस्कुराते रहे, ठीक है? इधर देखिए जरा, शाबाश, मैं शायरी भी आप लोगों के लिए मेरे पास है, दिमागेदार शायरी है, थोड़ा सुन लें जरा, इधर देख लें, थोड़ा पढ़ लें, ठीक है? इधर देखें जरा, शाबाश। अब देखिए, पढ़ने के लिए जज्बात का होना जरूरी है, और जज्बात जो ऑब्वियसली वो पढ़ने के बाद आते हैं जब समझ आए, ठीक है ना? समझ आए तो जज्बात आते हैं, ना समझ आए तो जज्बात भी किस काम के, है ना? तो जज्बात से पहले आप फोकस करेंगे, समझेंगे तो जज्बात आएंगे। अगर जज्बात आ गए तो डायरेक्ट टेस्ट पास भी कर लेंगे, क्योंकि जज्बात के साथ जज्बात इज डायरेक्टली प्रोपोर्शन टू ऑब्वियसली मतलब पढ़ाना, है ना? अच्छा लुक,
तो टाइप्स की अगर मैं बात करूँ ना, तो टाइप्स में याद रखिएगा, लेट्स से कि मैं एग्जांपल लिखता हूँ कि भाई 0.2 नंबर पहला ये लिखता हूँ, 0.234। दूसरा एग्जांपल मैं इधर लिखता हूँ कि भाई 0.234 ऐसे लिखा मैंने, और नंबर थर्ड मैं एग्जांपल लिखता हूँ 5.693, नंबर फोर मैं इधर एग्जांपल लिखता हूँ 5.693 ऐसे। भाई ये जो डॉट डॉट मैंने ये डैश डैश दिया है ना, ये जो मैंने डैश डैश दिया है, इस डैश का मतलब है ये आगे चल रहा है, कोई पता नहीं है किधर जा रहा है। इस फोर का मतलब है डैश जो दिया है मैंने, ये डैश से मुराद है आगे चल रहा है, कोई पता नहीं किधर मुक रहा है। ये मतलब मुक्के मतलब हे जो को ना खत्म दे दो, ठीक है? नहीं मतलब की बात यह है कि ये खत्म हो रहा है डेसिमल के बाद, रुक रहा है, टर्मिनेट हो रहा है। नंबर सेकंड में टर्मिनेशन नहीं है, वो पता नहीं किधर जा रहा है। समझ आ रही है? ये तो पता है ना। अब याद रखिएगा टाइप्स में दो टाइप्स आते हैं, जो मुक जाए मतलब खत्म हो जाए, रुक जाए, उसको हम लोग क्या कहते हैं? उसको हम लोग कहते हैं टर्मिनेटिंग डेसिमल्स। क्या कहते हैं मेरे भाई बता दो? टर्मिनेटिंग डेसिमल्स, टर्मिनेटिंग डेसिमल्स कहते हैं। डन, ये टर्मिनेटिंग डेसिमल्स है। अब जो खत्म होने वाले नहीं है, जो आगे चल रहे हैं, तो वो उसको क्या कहेंगे? नॉन टर्मिनेटिंग डेसिमल्स कहेंगे, नॉन टर्मिनेटिंग डेसिमल्स। समझ आ रही है? नॉन टर्मिनेटिंग डेसिमल्स कहेंगे ये नॉन, वो जो क्योंकि टर्मिनेटिंग से सिंपल सा, टर्मिनेटिंग से मुराद क्या है? टर्मिनेटिंग से मुराद ये कि खत्म हो गया, ठीक है? सो टर्मिनेटिंग एंड नॉन टर्मिनेटिंग। तो थर्ड कौन सा होगा? थर्ड विल ऑल्सो बी टर्मिनेटिंग, है ना? ये टी मैं लिख देता हूँ। तो फोर्थ विल बी नॉन टर्मिनेटिंग, ऐसा है ना? इट विल बी नॉन टर्मिनेटिंग। तो ये आप लोगों को डेसिमल पार्ट का थोड़ा बहुत पता होना चाहिए, ये आप लोगों को डेसिमल पार्ट का थोड़ा पता होना चाहिए कि भाई हाउ मेनी टाइप्स आर देयर, फर्स्ट ऑफ ऑल द टर्मिनेटिंग एंड नॉन टर्मिनेटिंग डेसिमल्स के पार्ट है। अच्छा अब एक और भी है, सॉरी मेरे पास में पानी नहीं है, और भी है, और भी है, इधर देखिए जरा बता रहा हूँ। देखिए अगर और मैं थोड़ा इसको ले जाऊं, थोड़ा मिसाल के तौर पर मैं अगर आप लोगों को कहूँ भाई 2.639436 52, ठीक है, इसको मैं इधर ऐसे ले जा रहा हूँ, और उसके बाद मैं यहाँ पे और एग्जांपल दे रहा हूँ, लेट्स से कि 2 इधर मैं लिख रहा हूँ, 0.2222 ऐसे कर रहा हूँ। अच्छा उसके बाद एक तीसरा लिख रहा हूँ मैं, मिसाल के तौर पे मैं यहाँ पे लिख रहा हूँ 2.565656 ऐसे लिख कर रहा हूँ मैं। नंबर फोर मैं लिखूं 5.12333 ऐसे कर रहा हूं मैं। इधर देखिए जरा, शाबाश मरीना, शाबाश शाबाश। अब इधर देखिए, अब मैं जो आप लोगों को बताने जा रहा हूं ना, बताने जा रहा हूं या आप लोगों को जो समझाने जा रहा हूं मैं, अब इधर देखें क्या ये सारे के सारे नंबर फर्स्ट, नंबर सेकेंड, नंबर थर्ड, नंबर फोर, क्या ये सारे के सारे नॉन टर्मिनेटिंग है? जी यस सर, यस बहुत अच्छे माशाल्लाह, क्या सारे के सारे सर, जवेरिया, जवेरिया शेख, सुमरो, मरीना, और कमसन, सर सेकंड ईशा, उमा, सेकंड, मुनशा, जी क्या सारे के सारे नॉन यस टर्मिनेटिंग सर, है? यस यस सर, नॉन नहीं, टर्मिनेटिंग। अभी 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 अभी, अभी मैं नॉन टर्मिनेटिंग की बात कर रहा हूँ। आई एम जस्ट टॉकिंग अबाउट नॉन टर्मिनेटिंग, ठीक है ना? शाबाश अंबर, यस संजय, सर, नॉन टर्मिनेटिंग शाबाश, तो बहुत सेकंड नॉन अच्छी, टर्मिनेटिव। बहुत अच्छे राहिला, बहुत अच्छे। अच्छा ये दीज फोर आर नॉन टर्मिनेटिंग, मगर एक बात है, मगर एक बात है, देखिए नंबर पहले में अगर मैं बात करूं तो 0.069, ये 6394, इस टू के बाद क्या आएगा, कोई बता सकता है मुझे? नेक्स्ट टू ही आएगा आई थिंक, टू के बाद क्या टू आएगा? ही देखिए आएगा सर, टू टू ही नहीं आएगा। सर, इसका नहीं पता क्योंकि ये रिकरिंग नहीं है, मतलब नहीं पता ना ये जवेरिया? पैटर्न शो नहीं नहीं, कर रहा तो ये रिकरिंग नहीं होगा ना सर, रिकरिंग हाँ इधर नहीं देखिए, होता तो हमें नहीं पता होता। देखिए देखिए देखिए, हाँ अब आपको पता नहीं है ना टू के बाद क्या आएगा, आप कैसे कॉन्फिडेंशियल होके जा सकते हैं? अगर मैं कहूँ कि सेकंड में इधर टू के बाद क्या आएगा, अब बताया जरा, अब तो टू इधर टू ही पड़ेगा, आएगा, अब तो ये पैटर्न शो कर रहा है सर, अब तो पैटर्न शो, अब टू आएगा, बहुत अब टू अच्छे, ही बहुत आएगा, रिकरिंग है। अच्छे, होशियार थी और सफा अच्छा थी, तो तब क्या बताओ, है ना? अच्छा इधर देखिए, शाबाश, गुड है, गुड है, आई एम हैप्पी टू सी योर अटेंडेंस, शाबाश। टू के बाद क्या आएगा, आपको पता है कि पैटर्न बना रहा है, पैटर्न बनने के बाद आपको जब पता चल जाए कि इसके बाद टू आ रहा है, पता चलता है कि हाँ टू आ गया माशाल्लाह, ठीक है। अब नंबर थर्ड में 6 के बाद क्या आएगा, कोई बता सकता है? हाँ फाइव सिक्स, अब फाइव आपको क्या सिक्स, पता चला है, अब आपको पता क्या चला है? सजय, संजना, जुनैशा, उमंग, सलमान जी शाह, से सारे। पैटर्न से दिखाई दे रहा है ना सुबह से, हाँ अब आप लोगों को क्या पता चला है कि 5 6 5 6 5 6 ये रिपीट हो रहा है, तो आगे भी 5 6 आएगा, आगे भी 5 6 आएगा, रिपीट खत्म नहीं होगा, मगर 5 6 5 6 ही आ रहा है, 5 6 5 6 ही।
आ रहा है, अब यहाँ पे पता चल गया आपको, इधर भी पता चला है, इधर भी पता चला है, इधर क्या आएगा? सर। हाँ, थ्री 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 आएगा, तो इधर भी पता चला। एक बात मैं हमेशा याद रखूं, फातिमा आवाज मेरी आ रही है? आवाज नहीं आ रही? आवाज तो आ रही आ है, रही है सर मैं। फातिमा मरीना आवाज आ रही है, शाबाश। देखें, जहां भी आप लोगों को पैटर्न का पता चले ना, पैटर्न जहां पे हो, देखें हैं तो सारे के सारे क्या है, ये हैं सारे के सारे, ये सारे के सारे नॉन टर्मिनेटिंग है। क्या है ये? नॉन टर्मिनेटिंग है। आपको ये तो पता चल गया कि ये सारे के सारे क्या है, नॉन टर्मिनेटिंग है, निकम्मे है ना। नॉन टर्मिनेटिंग निकम्मा नहीं होता, ठीक है ना, नॉन टर्मिनेटिंग है। अच्छा, नॉन टर्मिनेटिंग जो है, अब नॉन टर्मिनेटिंग में दो केसेस आप लोगों ने देखे हैं। एक वो केस जहां पे आपको पता चल रहा है कि अभी आगे कौन सा नंबर आ रहा है ना, दो एक और केस जो कि आपको पता चल रहा है कि आगे कौन सा नंबर आ रहा है, ठीक है, एक पता नहीं चल रहा। जहां पे आप लोगों को पता चले, जहां पे आप लोगों को पता चले कि भाई के भाई के भाई मतलब एक रिपीटिंग है, क्योंकि ऊपर रिपीटिंग नहीं है, पता तब चल रहा है जब आप कुछ नंबर को रिपीट करवा रहे हैं। जहां पे रिपीटिंग, जहां पे रिपीटिंग हो, मिसाल के तौर पे जैसे कि मैं कहूँ 6394365, देखें यहाँ पे 6 आया, यहाँ पे भी 6 आया, मगर 6 के बाद इधर 5 है, इधर 3 है, ऑब्वियसली मतलब रिपीटिंग नहीं है ना, तो ये तो ऐसे ही बेढंगे से नंबर से आ गया है। ऑब्वियसली याद रखिएगा आप लोग कि ऐसे नंबर्स को हम लोग नॉन टर्मिनेटिंग तो कहते हैं, नॉन टर्मिनेटिंग अपने टाइप्स है। अब मैं अगर कहूँ ना कि सबसे पहला जो आप लोगों का टाइप है, सबसे पहला जो टाइप है, ये जो आप नंबर का पहला है, ये आप लोगों का होता है नॉन रिकरिंग। क्या? नॉन रिकरिंग। रिकरिंग से मुराद होता है अकरिंग, ठीक है ना। क्या होता है? नॉन रिकरिंग नंबर। जो सेकेंड है, ये आप लोगों को क्या कहलाता है? रिकरिंग कहलाता है। क्या? ये आप लोगों का रिकरिंग कहलाता है। रिकरिंग से मुराद है जो को बार बार अकर हो, बार बार आए, बार बार आए, समझ आ रही है? सो इसका मतलब ये होता है, ठीक है ना। शाबाश, यस सर। मैं कॉल उठा लूंगा, तुम शाबाश गाइस। सो लुक, अब आप लोगों को ये पता चल गया होगा कि जो रिपीटिंग होते हैं उसको रिकरिंग कहते हैं। तो मैं अगर मैं यहाँ पे लिखूँ ना, मिसाल के तौर पे जो नॉन टर्मिनेटिंग होते हैं, क्या नॉन टर्मिनेटिंग जो होते हैं उसमें कितने मतलब टाइप्स, नॉन टर्मिनेटिंग के कितने टाइप्स होते हैं? उसके टाइप्स होते हैं, एक तो इधर जाता है, एक होता है रिकरिंग, ठीक है, अब रिकरिंग, एंड उसके बाद दूसरा कौन सा होता है? नॉन रिकरिंग। क्या? नॉन रिकरिंग, जो बार बार अकर ना होने वाला, ठीक है ना। क्योंकि एक तो नॉन टर्मिनेटिंग, एक निकम्मा है, उसके बाद नॉन नॉन टर्मिनेटिंग है, नॉन रिकरिंग दूसरा निकम्मा है, समझ आ रही है ना। अच्छा, ये नॉन रिकरिंग हो गया। अब रिकरिंग और नॉन रिकरिंग एग्जाम्पल मैं खुद लिख देता हूँ, इधर कोई मसला नहीं है। जैसे कि 0.2222 ऐसे हो गया, जैसे कि 2.5656 ऐसे हो गया, ऐसे चलता जा रहा है। जैसे कि 5.36666 ऐसे आ रहा है। नॉन टर्मिनेटिंग क्या? 0.2352469 ऐसे चलता जा रहा है। लेट्स से 5.562396535 मतलब 5 ऐसे समझो, ऐसे चला जा रहा है। भले 5 भी ना करें, थोड़ा आगे और 6 दे दें मिसाल के तौर पे, ऐसे चलता जा रहा है। तो ये आप लोगों के नॉन रिकरिंग के आ जाते हैं। तो इट इज ऑल अबाउट डेसिमल, मगर डेसिमल इतना हल्का नहीं है, हल्का ना लीजियो। अब देखिए जरा, अब अगर मैं ये कहूँ, अगर मैं ये कहूँ ना कि भाई जो नॉन ये जो रिकरिंग होते हैं, क्या ये जो रिकरिंग होते हैं, ये रिकरिंग आप लोगों के फ्रैक्शन कहलाते हैं, ओ सॉरी रेशनल कहलाते हैं। क्या ये कौन से होते हैं? रेशनल नंबर्स होते हैं। और ये नॉन रिकरिंग कौन से होते हैं? जी इरेशनल। हाँ, नॉन रिकरिंग आप लोगों के इरेशनल होते हैं, याद रखियो। अगर लेट से कि आप लोगों को ये तो आ भी आता है ना कि सवाल कि विच ऑफ द फॉलोइंग इज इरेशनल नंबर, विच ऑफ द फॉलोइंग इज इरेशनल नंबर, अगर मैं यहाँ पे लिखूं कि विच, देखिए विच ऑफ दी फॉलोइंग, देखिए देखिए देखिए, इज इरेशनल। मिसाल के तौर पे मैं अगर लिखूं कि विच ऑफ द फॉलोइंग इज इरेशनल नंबर, देन व्हाट यू विल डू, देखिए ऑप्शन मिसाल के तौर पे आता है कि 0.233। अच्छा, 10 मिनट के बाद ऐड मतलब लिंक खत्म हो गया, आप लोगों ने ज्वाइन कर लेनी है, ठीक है। एक ये ऑप्शन दिया, नंबर बी मैंने दिया कि 4.69696, ये इधर गया,
नंबर सी पे मैंने दिया 5.35692 3 4 ऐसे दे दिया, नंबर सी पे मैंने दिया कि 4 मतलब 5.69369 3693 6 9 3, मुझे बताएं कौन सा सी रहेगा? ऑप्शन सी सर, शाबाश, मतलब होशियार थी आओ, है ना, होशियार थी आओ। अच्छा इधर देखें जरा, शाबाश। तो आप पूछा द फॉलोइंग इज इरेशनल नंबर, तो इरेशनल कौन सा होगा? इरेशनल आप लोगों का सी होगा। क्या इरेशनल आप लोगों का कौन सा होगा भाई बता? तो इरेशनल आप लोगों का सी होगा। आर यू गाइस गेटिंग? शाबाश। तो इरेशनल नंबर कौन सा आप लोगों का सी होगा। अब रेशनल नंबर कौन से जो रिपीट हो रहे हैं, कभी कभी ऐसे सवाल आ जाते हैं, आप लोगों ने थोड़ा तगड़ा बनना, समझ आ रही है? तो थोड़ा थोड़ा मैं आगे बढ़ूंगा। देखिए अगर अगर एक बात कहूं मैं आप लोगों को, लेट से चेंजिंग, देखें चेंजिंग, मैं एक पूरा टॉपिक लिख रहा हूं, चेंजिंग डेसिमल्स इनटू फ्रैक्शंस, ठीक है, इनटू फ्रैक्शंस। अब फ्रैक्शंस या रेशनल कहूं कोई मसला तो नहीं है? देखें अगर अगर मैं कहूं अब मिसाल के तौर पे भाई, अब आप मिसाल के तौर पे मैं यहाँ पे आप लोगों को थोड़ा सा झूठ बोल दूं, मिसाल के तौर पे झूठ तो नहीं है फायदा, मैं ऐसे मजाक कर दूं, लेट्स से कि मैं अगर कहूं आस्था ये ना लगाएं, ये ना लगाएं, ये ना लगाएं, शाबाश शाबाश नहीं करें, शाबाश। इधर देखें, मुझे देखें जरा, मुझे नहीं बल्कि मैं तो नहीं हूं बट बोर्ड पे देखें, इधर देखें। अगर मैं आप लोगों से एक मजाक मजाक में एक चीज कहूंगी भाई, फ्रैक्शंस जो है वो रेशनल नंबर्स भी हैं, और मैं आपको कहूंगी भाई 0 पॉइंट, जैसे कि सॉरी मैं मिसाल के तौर पे आप लोगों को कि भाई 0.23 है। देखिए ये आप लोगों का क्या है, ये आप लोगों का सिंपल सा डेसिमल है जो टर्मिनेटिंग है। ये क्या आप लोगों का, ये आप लोगों का क्या है, ये आप लोगों का टर्मिनेटिंग है, है ना, ये आप लोगों का टर्मिनेटिंग है। मगर इस टर्मिनेटिंग को सॉल्व करने के लिए व्हाट डू यू डू एक्चुअली, टर्मिनेटिंग सॉल्व करने के लिए आप ये खत्म जब करते हैं डॉट, जो 2 3 पूरा बन जाता है, इस डॉट की जगह पे आप देते हैं 1 डॉट की जगह पे। कितने डिजिट्स हैं, 2 मतलब डिजिट, जितने डिजिट है ना डेसिमल पार्ट पे, तो आप इसको इसके ऐसे बनाते हैं, तो इट इज चेंज्ड इनटू फ्रैक्शन फॉर्म, मतलब रेशनल फॉर्म में। तो टर्मिनेटिंग जो भी होते हैं, टर्मिनेटिंग जो भी हो वो फ्रैक्शन फॉर्म में आ जाते हैं आसानी से, मगर इसका रूल सिर्फ यही है। अगर मैं बात करूं कि भाई आप लोगों को कहूं, ये बड़ा इंटरेस्टिंग है, इधर देखिए, अगर मैं आप लोगों को कहूं कि भाई 2 मिसाल के तौर पर, मैं 2 भी नहीं लिखता, मैं मिसाल के तौर पर आप लोगों को कहूं कि भाई 0.2222 ऐसे है, देखिए क्या ये रेशनल है ना, दिस वन इज अ रेशनल। अगर ये वाला रेशनल है, मतलब ऐसा समझेंगे मतलब नॉन टर्मिनेटिंग है और रिकरिंग है, रिकरिंग, सो ये रिकरिंग अगर है तो रिकरिंग ऑब्वियसली चेंज होगा, अगर रेशनल है रिकरिंग, रिकरिंग रेशनल है ना, ऊपर पढ़ा है हम लोगों ने, ये देखें ऊपर पढ़ा है हम लोगों ने, इधर रिकरिंग जो है वो रेशनल होते हैं। अगर रेशनल होते हैं तो रेशनल का फॉर्म जो है वो पी अपॉन क्यू है, रेशनल का जो फॉर्म है, फॉर्म क्या है, पी अपॉन क्यू है, तो पी अपॉन क्यू फॉर्म में ये तो चेंज होना चाहिए फिर, तो पी अपॉन क्यू फॉर्म में चेंज कैसे होगा, क्योंकि ये जो पहला सवाल है वो पी अपॉन क्यू फॉर्म में आराम से चेंज हो सकता है, टर्मिनेटिंग जो है, पर नॉन टर्मिनेटिंग में जो रिकरिंग है वो पी अपॉन क्यू फॉर्म में कैसे चेंज होगा अगर वो रेशनल है, क्योंकि रेशनल तो पी अपॉन क्यू फॉर्म है, फ्रैक्शन फॉर्म में है, है ना। अच्छा सवाल है। अच्छा मसला ये है कि जब भी, याद रखिएगा, ऐसे सवाल आते हैं आप लोगों को कुछ फेस करना होते हैं, एक बात मैं आप लोगों को बता दूं कि 0.222 ऐसे हो या मैं लिखूं 0.2 बार लिखूं, बार, इस बार इस चाचे का मसला ये है कि ये कहता है कि जिस पे बार आ जाए ये आप लोगों का रिपीटिंग होगा, मतलब 2 पे बार आ गया है तो ये इसका मतलब है कि 2 2 2 2 2 2 रिपीटिंग है, समझ आ रही है। अच्छा नंबर बी अगर लिखूं मैं 0.23 बार लिखूं, इसका मतलब क्या है, इसका मतलब है 0.232323 बार आ गया, ये ऐसे होगा। नंबर सी अगर मैं लिखूं 0.23 बार लिखूं, इस पे बार करूं, तो इसका मतलब क्या है, इसका मतलब है 0.23333 है, समझ आ रही है, ठीक है, बार 3 पे तो 3 ही रिपीटिंग आगे जाएगा, 2 नहीं जा सकता, 2 इधर ही होगा। आर यू गाइस गेटिंग? यस सर। क्या बात, बहुत अच्छे बहुत अच्छे बहुत अच्छे, माशाल्लाह बहुत अच्छे। अच्छा अब ये तो हो गया माशाल्लाह से, बहुत अच्छा हो गया, अच्छा गुड हो गया, तालियां, है ना। अच्छा अब मैं बता रहा हूँ, अब इन चीजों को फ्रैक्शन में कैसे चेंज करना है। अब देखिए मैं सबसे पहले दूसरा जो नंबर है, दूसरे वाला, तो 0.22 वाला, मतलब 0.22 वाले को मैं 0. बार लिखूं, कोई मसला है यहाँ पे, मैं बार कर दूं, कोई मसला तो नहीं है ना, शाबाश, इसका मसला नहीं है। चले अगर इसका मसला नहीं है तो अब देखिए जरा, मैं बता रहा हूँ, अब कोई मुझे ये बताएगा कि भाई, अब कोई मुझे ये बता सकता है कि रिपीटिंग कितने हैं, मतलब 2 एक डिजिट है ना, 1 से लेकर कितना है 9 तक,
कितने डिजिट है? एक डिजिट है, टू है सिर्फ। डिजिट कितने हैं? एक ही है, जो जो के टू है। अब याद रखियो, जो रिपीटिंग है ना, रिपीटिंग एक ही है, तो वो लिखेंगे पूरे का पूरा इधर, लिख दिया टू। अपन जितने रिपीटिंग है उतने नीचे नाइन दे देंगे, दे दिया नाइन। घबराना नहीं है, घबराना नहीं है, घबराना नहीं है। मैं हूं, मैं हूं, मैं हूं। एक मिनट कोई 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 बात नहीं, कोई बात नहीं। इधर देखना, इधर देखना। नंबर बी अगर मैं इधर लिखूं, मैं लिख रहा हूँ 0.3 बार, 0.3 बार लिख रहा हूँ। तो हाउ विल आई चेंज इट इन टू फ्रैक्शन फॉर्म, हाउ विल आई चेंज इट इन टू नाइन फ्रैक्शन फॉर्म, ये क्या होगा? 3/9, क्योंकि ये अकेला छड़ा खड़ा है, तो 3 की जगह पे आपने 3 लिख लिया, मगर रिपीटिंग कितने? एक है, तो 1 9 आएगा नीचे। गेटिंग माय पॉइंट? शाबाश, इधर देखिए जरा। अच्छा, नंबर सी पे 0.23 लिखता हूँ मैं, 0.23 बार लिख देता हूँ, 0.23 बार लिखूंगा मैं। ट्वेंटी थ्री बाय 99। शाबाश। तो रिपीटिंग कितने हैं? रिपीटिंग आप लोगों के दो हैं। रिपीटिंग कितने हैं मेरे भाई, बता? तो रिपीटिंग कितने हैं? दो हैं। तो 2 3 लिख लेना, अपॉन जितने रिपीटिंग है ना उतने नीचे 9 लगा देना। तो ये आप लोगों फ्रैक्शन फॉर्म है, ये आप लोगों इधर फ्रैक्शन फॉर्म था। आर यू गाइस समझेंगे आर नॉट? यस सर, और यस बोलो। मेरी बात सुनें, 0.2 जी जी वो सुना है, के ऊपर बार हो और 3 पे ना हो। मैं बता रहा हूँ, डोंट वरी डोंट वरी, मैं बता रहा हूँ, मैं बता रहा हूँ। हमेशा ये याद रखिएगा, 0.2 के बार और 3 पे ना हो, मतलब 2 2 2 2 चलता जाएगा, 3 आगे जाएगा, ऐसी कभी भी सिचुएशन नहीं आएगी। समझ आ रही है? क्योंकि इसका मतलब है आप एंड कर रही है इसका, क्योंकि 3 दे दिया तो एंड है ना, बीच में 2 2 2 2 आगे, पता नहीं 2 किधर जाएंगे। हमेशा बार नेक्स्ट पे आएगा, उससे पहले में भले बार ना आए, जैसा कि 0.2 बार आ जाए, 3 सॉरी मतलब 2 2 पे बार ना आए, 3 पे आ जाए। समझ आ रही है? इधर यस बार आ सर, सकता है, इधर नहीं आ सकता कभी भी, और इस पे ना आए तो ये पॉसिबल नहीं है। समझ आ रही है? ओके सर, अच्छा, अब मैं बता रहा हूँ, ये भी कंडीशन बता रहा हूँ, ये भी कंडीशन बता रहा हूँ। अब देखें, मिसाल के तौर पर मैं आप लोगों को अगर कहूँ ना कि 0.23, यही मसला इधर हल करते हैं, 3 पे बार आ गया, 0.23 पे बार आ गया है। अब इसको मैं सॉल्व कैसे करूंगा? इसको मैं सॉल्व करूंगा कि सेम टू सेम लिखें, 2 3 लिख लें, अपॉन रिपीटिंग कितने हैं वो देखें, रिपीटिंग कितने हैं ट्वेंटी थ्री वो देखें। जब बाय शेख साहब सॉरी मजाक कर रहा हूँ, जवेरिया इधर देखें, आपने कहा है कि फ्रैक्शन में कन्वर्ट करने के लिए 1 होता है, जवेरिया वो अलग बात है, मगर रिकरिंग को कन्वर्ट करने का ये तरीका है। वो जो था ना टर्मिनेटिंग को जो कन्वर्ट कर रहे थे, वो अलग तरीका है, जो मतलब डेसिमल की जगह पे 1 दे रहे थे, मगर ये रिकरिंग को कन्वर्ट करने का तरीका ये है। ठीक है जवेरिया, जी क्या बात, बहुत अच्छे, माशाल्लाह, थैंक यू। अच्छा, लोग 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 मानी खाए था, मुझे मानी अच्छी भैया। अच्छा, एल डीजिए, शाबाश। 0.23 बार है, अब 3 बार ऐसे लिखा ना, रिपीटिंग कितना? रिपीटिंग एक है, जितने रिपीटिंग है ना उतने 9 दे दो आप। मैं कहता हूँ ये जो छड़ा है, ये छड़ा है, ये बार नहीं है, इस पे जिसपे बार नहीं है ना, जिसपे बार नहीं है उसने इसके उसको लिए 0 पुट करें। 0 दे दे। कहानी अभी तक खत्म नहीं होती है, जिसकी वजह से 0 आया है वो सब्ट्रैक्ट भी करना है इधर से ऊपर से। समझ आ रही है? तो व्हाट इट विल बी 21/90। अब आप लोग 3 की टेबल भी लगा सकते हैं, लग सकती है, 7/30 आ जाएगा। आर यू गाइस गेटिंग? क्योंकि सर, 0 की जगह 9 क्यों नहीं आ सकता? वो रिपीटिंग नहीं है ना, ये देखिए 2 2 और 2 के लिए 0 आया है, रिपीटिंग कितने हैं? एक है, 9 दे सही दिया। समझ आ रही है? घबराना नहीं है, यस घबराना सर, नहीं, घबराना आप लोगों ने है नहीं, भले पेट्रोल 500 थी वही है, रिड्यूस। शाबाश। एक अगर मैं दूसरा दूं मिसाल के तौर पर, डोंट वरी, मैं कहता हूँ कि 2 5 6 बार, मैंने अब ऐसा कर दिया है, अब इसका कोई हल, कोई कोई हल बता दे जरा। शाबाश, जल्दी, बहुत अच्छे से, बहुत अच्छे, बहुत अच्छे, बहुत अच्छे, माशाल्लाह, होशियार आए हो। शाबाश शाबाश सर शाबाश। बार हाँ, 54 मैं लिख रहा हूँ अपॉन 92। 2 5 6, एक मिनट एक मिनट, 0.256 ऐसे है, बार टू मतलब 5 6 पे है, देन व्हाट इट विल बी?
म्यूट किया है आपने। सॉरी, आई एम सॉरी, आई एम सॉरी। अच्छा, लुक, अब क्या है कि मतलब 256, मतलब 256 जो है आप पूरे का पूरा लिख दें, लिखने के बाद आप देखिए रिपीट कितने हो रहे हैं, मतलब रिपीटिंग कितने हैं, 2 है, 5 6 है, 5 6 2 है ना, तो ये 2 9 दे दें। जो छड़ा खड़ा है वो कितना है, वो 1 है, उसकी जगह पे आप देखें 9, ओ सॉरी 0। अब यही छड़ा आप माइनस भी करेंगे, -2, समझ आ रही है, छड़ा मतलब सॉरी सॉरी, छड़े तो मरा था अकेला ठीक है ना, मतलब जिसपे बाहर नहीं है, मैं थोड़ा ऑब्वियसली हिंदी को थोड़ा मतलब गले में। अच्छा आप उर्दू हैं, ये सराकी के वर्ड है ना, छड़ा, शाबाश, इधर देखे जरा, शाबाश शाबाश। लो अब क्या है कि सर। जी, अपॉन क्या आएगा, 990 आएगा जी, बोले हैं सर मैं बस आंसर बता रही थी। अच्छा, मतलब आंसर पता चल गया, यस सर, वही है। गुड गुड फातिमा, गुड गुड, शाबाश। सो ये सबका आ रहा है आंसर। अच्छा अभी तो खुश ना हो, अभी तो खुश ना हो कि भाई ये जान छूट गई, ऐसा नहीं है। देखिए मैंने तो 0 वाले दिए थे ना, अगर मैं कह दूं कि 2.5 बार कर दूं, 2.5 बार लिखता हूं, अगर मैं 2.5 बार, तो इसका क्या आएगा आंसर, शाबाश जल्दी, इसका आंसर क्या आएगा। 25/9। शाबाश, देखें याद रखिएगा ये आपका पार्ट है होल का, किसका भाई, ये आपका पार्ट होल का है, तो होल पार्ट में जो आप लोगों का आया है, देखें ये 5 होल 2/3 पढ़ते हैं ना, इसको कैसे पढ़ते हैं, 5 होल 2/3, तो होल पार्ट का आपका इधर आएगा, 2 इधर आएगा, होल में आएगा। अब इसको आप कैसे लिखेंगे, इसको कैसे लिखना चाहेंगे, इसको लिखना चाहेंगे 5/9, ऐसा है ना जी, क्या हो गया है, सर ये सफा समझ ना आयो अल्लाह। सर। अच्छा राही लहरी, शाबाश शाबाश, मैं बता रहा हूँ, बता रहा हूँ, बता रहा हूँ, 1 मिनट 1 मिनट, लोग छोड़े इसको, अब मैं बता रहा हूँ, राहिला मुझे बताएं कि देर वर 2 पार्ट्स, एक डेसिमल पार्ट, दूसरा कौन सा पार्ट था, होल पार्ट, दूसरा कौन सा पार्ट है, होल पार्ट, ये कौन सा पार्ट है, डेसिमल पार्ट है, ठीक है, अब डेसिमल पार्ट अलग कन्वर्ट करेंगे, होल पार्ट आपका आएगा इधर 2, जो होल पार्ट में आया वो इधर ही आएगा, 0 है तो इसलिए नहीं दे रहे, चलो 0 है छोड़ दो यार, खैर माफ कर दो, ठीक है ना, 0 है इसलिए हम लोग नहीं दे रहे, मगर अगर 0 की जगह पे होल पार्ट में अगर कुछ और आएगा तो वो होल में आएगा, इधर आएगा, गेटिंग, अब होल में आ गया, मगर डेसिमल में क्या है, डेसिमल में आपका 5 है जो कि रिपीटिंग है, तो रिपीटिंग क्या करेंगे, 5/9, ऑब्वियसली 5 रिपीटिंग है ना, तो 5/9 कर देंगे। अच्छा दूसरा एग्जाम्पल मैं देता हूँ, वो भी समझ आ जाएगा, डोंट वरी, इधर देखिए जरा, मैं कहता हूँ जी, इधर दे रहा हूँ मैं, अब जी में अगर मैं लिखूँ कि भाई 5.69 बार लिख दूं मैं, रहिला देखी, अब देखिए 5 पॉइंट है ना, ये होल है, अब होल आपका होल में जाएगा 5, और 6 9 इधर आएगा, अब इसको कन्वर्ट कैसे करते, सिंपली आप कन्वर्ट कैसे करते, 5 को भूल जाए, 99 99, हाँ नाइन अच्छा नाइन सर, ये सर समझ आ गई जी, ये सर जी आ आपको, गया। गेटिंग, सर -2 क्यों कर रहे हैं -2 क्यों कर रहे हैं, हम? यस सर, किधर है, किधर है, सर ऊपर पर, सर ये वाला, यस एग्जैक्टली ये वाला जबरिया, इधर देखिए जरा, राहिला, राहिला पता नहीं कौन है, इधर इधर इधर, मैं देख नहीं रहा, राइला क्या बच राहिला, इधर देखें, क्योंकि देख नहीं रहा ना कि वहां पे नेम्स वगैरह, इधर देखें, मैं बता रहा हूँ कि जितने रिपीटिंग है, 223 लिख दिया आपने, जितने रिपीटिंग है उसकी जगह पे आ गया 9 आपका, ये जो 2 है ना, 2 की जगह पे 0 भी आएगा, ये 2 बेचारा ना, ये 2 बेचारा, ये 2 इधर माइनस भी होगा, समझ आ रही है, ये 2 क्या होगा, माइनस भी होगा, गेटिंग, और ये वाला 2 ऊपर, सर, अगर 2, 2 3 ये अगर इधर इधर 1 2 होगा तो -1 होगा। हाँ मैं दे रहा हूँ, डोंट वरी, मैं, मेरे पास सवाल है, बहुत अच्छे सवाल है, मैं दे रहा हूँ, डोंट वरी, अभी तक देखें जरा, पहले इधर सुने 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 सुने, अब एच अगर मैं दूं आप लोगों को, मैं कहता हूं भाई 2.56 बार लिखूं, इसको कैसे कन्वर्ट करेंगे, प्लीज कन्वर्टेड, शाबाश जल्दी, सर 256/99। अरे तेरी यार, इतना कर,
ये नगर बनाएंगे नगर। बार किसके ऊपर है समझ ही नहीं आ रही। बार सिक्स के ऊपर है, बार 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 सिक्स के ऊपर है, ठीक है चवेरिया। अच्छा तो चवेरिया, टू हो हाँ जी, जी, बताएं। टू होल, 56/90, गुड। 56/9 9 मरीना, मरीना तो सा कम से कम, होगा ना सर। मरीना मरीना, टू होल 51/90। बस ठीक है शाबाश। मैं अब कर रहा हूँ सवाल, अब चुप हो जाए शाबाश, मैं थोड़ा जलाली में आ रहा हूँ, ठीक है इधर देखें जरा शाबाश। अब देखें, टू होल 5 सेक्स दिया आप लोगों ने, रिपीटिंग कितने है? एक है, 9 लिख दिया। नॉन रिपीटिंग कितने है? एक है, 0 कर दिया। ये नॉन रिपीटिंग जो छड़ा मैंने कहा था वो आपका माइनस भी होगा, तो क्या होगा मेरे भाई बता। तो 51/90 आ गया। जी गाने चल रहे माशाल्लाह, तीशा गुड, हमें भी सुना दें, मैं बड़ा शौकीन हूँ क्लासिक गानों का। हाँ ये क्लासिक थे, आई थिंक सब। अच्छा इधर देखें जरा शाबाश, लुक एच हो गया, ये समझ आ गया पक्का। यस हे, बता दें जरा, क्लियर है। ये समझ नहीं आया? नो सर, क्लियर क्लियर है ना? शाबाश, गुड गुड, शाबाश, बहुत अच्छे माशाल्लाह। अभी का और बाद में आप लोगों को बता दूं कि ये डेसिमल इधर तक का भाईजान खत्म नहीं होता है। आर यू गाइस गेटिंग आर नॉट? इफ यू गाइस आर नॉट गेटिंग, देन यू विल गेट इंशाल्लाह, ठीक है। सो आई एम हियर टू लेट यू नो अबाउट ऑल दी थिंग्स, ठीक है ना। और इंशाल्लाह यू विल गेट अ लॉट ऑफ कॉन्सेप्ट्स इन फ्यूचर एज वेल, टुडे एज वेल, ठीक है ना। सो बस थोड़ा फोकस इधर करना है, खुद को बचा के रखना है, जो डिस्टर्बेंस है आप लोगों को ना, मतलब इधर उधर से आवाजें आ रही हैं, मिसाल के तौर पे गाने चल रहे हैं, है ना, उन चीजों से बचा के रखना है। कानों में हेडफोन लगा के बिल्कुल गुम होके एक साइड पे बैठ के मुझे कोई डिस्टर्ब ना करे, ठीक है ना। ऐसा समझे कि आप ऐसी ऐसी दुनिया में चले गए हैं कि आप लोग बस कुछ सीख रहे हैं। आर यू गाइस हियरिंग? सो लुक 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 लुक, अब मैं आप लोगों को कुछ और चीजें बता रहा हूँ डेसिमल्स के हवाले से, ऑपरेशंस ऑफ डेसिमल्स, ठीक है। ऑपरेशंस ऑफ डेसिमल्स बता रहा हूँ, वो चीजें हम लोग करना चाह रहे हैं ऑपरेशंस ऑन डेसिमल्स पे, नहीं बल्कि ऑपरेशंस को भी छोड़ते हैं हम लोग। मैं आप लोगों को एक्सपोनेंट आज पढ़ा देता हूँ, ठीक है, क्योंकि ऑपरेशंस जो है ना वो ऑपरेशन चीर फाड़ वालों ना, ठीक है ना। ऑपरेशन आप लोगों को समझ आ गया होगा, मतलब वो जो प्लस माइनस मल्टीप्लीकेशन डिवीजन वगैरह होती है, वो वाली ऑपरेशन कह रहा हूँ, समझ आ रही है ना। अच्छा इधर देखिए जरा शाबाश, जवेरिया सुमर आपको मजा आ रहा है फर्स्ट क्लास में, ठीक है। और जो दूसरे हैं, उनको, और कौन है, जवेरिया, जवेरिया दो है ना, हाँ ये सुमरो है, वो शेख दूसरी है। रहिला 90 क्यों हुआ? और बड़े ला इला अल्लाह जन्नत नसीब करे। हेरे, जवेरिया जवेरिया सर जवेरिया, मेडिकल रहिला रहिला, कोई 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 बात नहीं, कोई, आई एम हियर, शाबाश। इधर देखिए, शाबाश, लोग भाई 2.56 है ना इधर, आपको शाबाश है कि आपने बता दिया, ठीक है ना। इधर देखें, 2.56 बार है, आपको पता है कि भाई 2 तो होल में आएगा, डन है भाई। 5 6 आपने लिख दिया, तो रिपीटिंग जो है ना, उस जितने रिपीटिंग होंगे उतने 9 आएंगे। नॉन रिपीटिंग कितने करें? जो रिपीटिंग नहीं, जिसके ऊपर बार नहीं है वो कितने, 1 है, तो उसकी जगह पे 0 आएगा। अब ये 5 जिसकी वजह से 0 आ रहा है वो माइनस भी होगा। हाँ समझ आई? अरेगा ये सर आ गया अभी। थैंक माशाल्लाह, यू, बहुत अच्छे बहुत अच्छे बहुत अच्छे बहुत अच्छे, शाबाश, थैंक यू सो मच सर। मोस्ट वेलकम मोस्ट वेलकम। अच्छा इधर देखिए जरा शाबाश, अब मैं आप लोगों को ना थोड़ा एक्सपोनेंट को छेड़ना चाह रहा हूँ। इधर देखिए, अच्छा डेसिमल में इसकी वजह से मैं थोड़ा इसका थोड़ा वो भी बता दूं, लेट से कि मैं कहता हूँ ना कि 5.45 बार आता है, लेट से कि, ठीक है ना, 4-5 बार आ जाता है। माइनस करता हूँ 3.12 बार, ठीक है ना, ऐसे कर देता हूँ। अगर ऐसा अगर आ जाता है, माइनस हो गया और बार में आ गया, तो व्हाट यू विल डू, ठीक है, या लेट से कैसा आ गया नंबर दूसरा, या आप लोगों का 5.45 बार प्लस 3.12 बार आ गया, तो व्हाट यू विल डू इन दिस केस, देख लें आंसर क्या आएगा अगर माइनस करते हैं। तो देखें, ये पहला यहां से स्टार्ट, ये यूं होगा 2 और ये 5, 5 से 2 गया कितना आएगा 3, 4 से 3 गया कितना आएगा 1, फिर पॉइंट आएगा 5 से 3 गया कितना आएगा 2। देखिए 540, मतलब 540 से ऑब्वियसली 4 5 से अगर 1 2 गया है, ठीक है ना, अगर सॉरी यहाँ पे 3 आएगा, आई एम सॉरी,
यहाँ पे 3 आ गया ना। देखिए 45 से अगर 12 जाता है, 45 से अगर 12 जाता है 33 आ गया, 33। तो 33 याद रखिएगा, और उनके ऊपर बार था ना, बार बार से गया तो ऊपर बार भी बचेगा, इधर 2.33 आएगा। और ये गाइस कह रहे हैं यहाँ पे क्या आएगा, 2.33 बार आएगा। क्या क्या 2.33 बार आएगा। तो इसका इसका भी करके दिखा दे तेरा, शाबाश। सॉरी सॉरी, मैं सेम लिखा है नीचे, इधर भी इसका क्या लिखा है, हाय हाय माँ भैया यहाँ सफा बना। हाँ अच्छा इधर देखिए जरा, शाबाश। लुक मैं लिखता हूँ कि 6.29 प्लस, अच्छा सॉरी वो प्लस का था ना, ओहो मैंने फिर मिटा दिया, प्लस ही का सही तो था, 5.45 बार प्लस 3.12 बार। शाबाश शाबाश शाबाश। माँ समझाया हूँ तो, माँ समझाया हूँ तो, वेरी डिसाइडेड। 5 पॉइंट लिख दें, 5.45 बार एट प्लस पॉइंट 3.12 सेवन सर, एट बार। पॉइंट फाइव सेवन ठीक है शाबाश। पहले हरे हरे दिसो, उन्होंने समझ को ना ना जान गए, हरे दिसो शाबाश। 5.545 बार, कर्व क्यों था जवेरिया, डोंट वरी, 5.45 बार माइनस 3.12 बार। अब जब माइनस करते हैं तो ऑब्वियसली आपने ऐसे ऐसे इस ऑर्डर में लिखते हैं ना, इस ऑर्डर में लिखते हैं, ये वाला ऑर्डर ऐसे होता है। तो 5 से 2 गया कितना 3, 4 से 1 गया कितना 3.5 से 3 गया कितना 2, यानी तो कितना आया 2.33। अब ये वाला बार था ना पूरा, तो यहाँ पे क्या आएगा, बार आएगा, समझ आ रही है, यानी इसका बार आएगा। अब अगर मैं इसकी इसकी बात करूं, अगर इसकी मैं बात करूं तो इसका क्या होगा, ये नंबर फर्स्ट का है, नंबर सेकंड का बात कर रहा हूं, 5.45 बार 3.12 बार। तो इसको अगर हल करेंगे तो क्या आएगा, 5 और 2 कितना होता है 7, 4 और 1 कितना होगा 5.45 और 3 कितना होगा 8, और यहाँ पे बार आ जाएगा। तो यहाँ पे इसका रिजल्ट क्या आएगा, 8.57 बार। हमें समझ आया भला, बहुत यस सर। अच्छे, हालत थी ये पहलवान हो जाना था। अच्छा इधर देखिए उधर, सॉरी मतलब होना है ऐसे, बनना है, शाबाश गुड हो गया, बहुत अच्छे, आई एम वेरी हैप्पी टू सी यू, मतलब एज एक्टिव ना। अच्छा लुक, आप लोगों ने बिल्कुल ऐसा समझा कि धमाले मचा देनी है, ठीक है ना, एक्टिवनेस में, ताकि मुझे पता मजा भी है ना, ठीक है ना, मतलब पढ़ाने में मजा आया। एक तो आप लोग माशाल्लाह कम है ना, तो उस वाले से थोड़ी सी मोटिवेशन चली जाती है, तो उस वाले से मतलब थोड़ा हो जाता है ना। लुक बता रहा हूँ, डोंट वरी, मैं मजाक कर रहा हूँ, ठीक है। अब हम लोग पढ़ रहे हैं क्या 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 पढ़ रहे हैं, हम लोग पढ़ रहे हैं एक्सपोनेंट्स, क्या एक्सपोनेंट्स भाई, एक्सपोनेंट्स बड़ा बड़ा मजो है एक्सपोनेंट्स में, मैं सच्ची तो बताया ना, ये तो मजो है एक्सपोनेंट्स में जो मैं आए है, ठीक है ना, क्या कमाल, ठीक है, पढ़ाए मैं पढ़ाया पढ़ाए मैं पढ़ाया तो ठीक है। एक्सपोनेंट जो बेसिक है, वो आप लोगों की जो बेसिक का मसला है ना, वो बेसिक अगर किसी की स्ट्रांग है, ऑब्वियसली आप लोगों को इतना मसला नहीं होना चाहिए, ठीक है। अगर बेसिक स्ट्रांग है तो आप लोगों को थोड़ा सा सबर करना होगा, सबर के साथ चलना होगा, ताकि हम लोग साथ साथ में एक्सपोनेंट्स को क्लियर कर सके, जिनकी बेसिक का मसला है, तो वो बेसिक क्लियर करते हुए हम लोग आगे चलेंगे, अगर नहीं तो फिर आगे हम लोग थोड़ा बहुत मूव करेंगे, ठीक है। अच्छा देखिए एक्सपोनेंट्स में हम लोग सबसे पहले क्या डिस्कस करते हैं, रूल्स डिस्कस करते हैं, क्या 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 डिस्कस करते हैं, रूल्स डिस्कस मतलब डिस्कस करते हैं हम लोग, डिस्कस नहीं डिस्कस करेंगे, समझ आ रही है। अच्छा रूल्स में देखें, आप लोग प्रोडक्ट रूल होता है, क्वेश्चन रूल होता है, ये सारी चीजें हम लोग थोड़ा बहुत डिस्कस कर लेंगे, एंड फिर ध्यान निश्चय आगे बढ़ाएंगे, ठीक है, शाबाश। अच्छा हाँ जवेरिया सुमरो, गिले है तो गिले है तो, शाबाश इधर इधर देखना है, शाबाश, अगर गिले है ना तो वो चंबा, हे शाबाश। रूल्स में सबसे पहले आप लोगों का आता है प्रोडक्ट रूल, क्या प्रोडक्ट रूल आता है नंबर, सबसे पहले क्या आता है, प्रोडक्ट रूल आएगा। प्रोडक्ट रूल में ऑब्वियसली आप लोगों के पास नंबर, सबसे पहला प्रोडक्ट रूल लिख दो, मतलब लिख दूं मैं, क्या है प्रोडक्ट रूल, प्रोडक्ट रूल में मेक श्योर यू गाइस हैव टू मेक श्योर अबाउट एनीथिंग। देखिए जब आपके पास बेसिस सेम हो और मल्टीप्लाई हो रहे हो, मैं क्या बता रहा हूँ, वेन वेन बेसिस आर सेम, ठीक है, वेन बेसिस आर सेम एंड दोज आर मल्टीप्लाइंग ईच अदर, ठीक है। मिसाल के तौर पर मैं कहता हूँ ये 5 × 5 पावर 2 है, पहले तो बात समझ लेनी, अगर 5 है लेट से कि ए है, लेट से कि बी है, इनके ऊपर एक पावर है, समझ आ रही है नहीं आ रही, इनके ऊपर क्या है एक पावर है, अगर ऊपर कोई पावर नजर नहीं आ रहा अगर आप लोगों, तो वो तो जितना जूम करेंगे फिर भी नजर नहीं आएगा, समझ आ रही है ना, मगर ये समझने की बात है, अकल में बिठाने वाली बात है कि भाई पावर इसके ऊपर एक है, ठीक
ठीक है, समझ लेना है आप लोगों ने। अच्छा सपोज कर लेना है, वो वाली सपोजिशन नहीं कि मत्थे में पता हिट कर जाए, ठीक है ना, ये वाली सपोजिशन। इधर देखें जरा, शाबाश। अब सपोज करना है ये ऐसे हो गया, अच्छा ये 1 है, ये देखें ये 5 है, ये भी 5 है, ये मल्टीप्लाई है। कुछ लोग ऐसा करते हैं कि 5 + 5 2 को समझ लेते हैं, नहीं इधर मल्टीप्लाई होना चाहिए, याद रखना है। ठीक है, वे सर सेम पावर विल बी एडेड, यस फातिमा मुश्ताक, बे सेम है पावर एड होंगे, 5 का यहाँ पे 1 है यहाँ पे 2 है, इज इक्वल टू क्या होगा 5, इनमें से 5 एक आएगा, उनके पावर क्या आएंगे 1 + 2, तो किसके बराबर होगा जी, 5 पावर 3 के बराबर होगा। ठीक भाई समझ बात आ रही है, आप इनका ऐड नहीं कर सकते पावर, आप 5 + 5 पावर 2 अगर करेंगे ना तो ये बड़ा गुनाह है अगर आप लोगों ने 5 पावर 3 कर दिया। पो चंबा पो माना चंबा गलत हो जाए जिस माना सूरत में, ताने गलत थी माना चंबा चंबा लगाना भलो गलत न थे, है ना, ऐसा होता है ना। अच्छा सर, मेडिकल वाले तो 25 पावर 3 कह रहे हैं। वो मैं बता रहा हूँ ना, तो ये सी मतलब नहीं, नहीं करना है इन इन चीजों में, समझ आ रही है, इन इन्हीं चीजों में नहीं करना है। आर यू गाइस गेटिंग? यस सर, अच्छा शाबाश गुड माशाल्लाह। इधर देखें, अब मैं थोड़ा मूव कर रहा हूँ, ये प्रोडक्ट रूल में एक और चीज भी है, जब जब आपके पास 5 × 6 हो, वेन वेन यू हैव 5 × 6 बेसिस जो डिफरेंट मतलब डिफरेंट हो, और पावर आप लोगों के पास एक हो, देखें पावर क्या हो आप लोगों के पास एक हो, अब पावर सेम है बेसिस डिफरेंट है, तो बेसिस जब डिफरेंट हो ना तो पावर क्या कर, बेसिस आप अंदर मल्टीप्लाई करके, बेसिस 5 और 6 मल्टीप्लाई करके आप दोनों के एक ही पावर दे दो। अब बात समझ आ रही है? यस सर, दोनों के एक ही पावर दे दो, तो इसके रूल के मुताबिक अगर मैं बात करूं आप लोगों को, कहूं मिसाल के तौर पर बताऊं, अगर राजी हूं अगर आप इस बात पे, कि मैं कहूं कि a × a, a पावर m कहूं, ये किसके बराबर होगा, a पावर m + n, है ना, ऐसे कह दूं अगर मैं, यहाँ पे रिमूव करके मैं पहले m m लिख दूं, आपकी मर्जी है कोई मसला नहीं है, यहाँ पे m लिखा यहाँ पे n लिखा मैंने, तो ये मैं कह सकता हूँ। अगर इस जगह पे अगर मैं कहूँ कि भाई a × b, यहाँ पे मैं कहूँ कि m है, ये भी m है, तो इसको मैं बराबर कर सकता हूँ a × b पावर m, और a n b n इज इक्वल टू a b पावर n, कह सकता हूँ ना मैं, आराम से कह सकता हूँ। डिड यू गेट इट? यस सर, शाबाश बहुत अच्छे माशाल्लाह, बहुत अच्छे बहुत अच्छे बहुत अच्छे। अच्छा ये तो पावर मतलब प्रोडक्ट रूल है ना, ये तो प्रोडक्ट रूल है, मगर मगर मैं बात अगर कहूँ कि भाई मिसाल के तौर पे अगर मैं बात करता हूँ कि भाई ये जो प्रोडक्ट रूल है, अगर मैं कहूँ कि भाई लेट से हमारे पास आता है क्वेश्चन रूल, ठीक है, अगर हमारे पास क्वेश्चन रूल आता है, सॉरी अगर इसको मैं मिटा के अगर ऐसे लिख दूँ, यहाँ पे ए है ये हमारा बी है, ठीक है, यहाँ पे हम लिखते हैं 2 क्वेश्चन रूल, CQUOTIENT क्वेश्चन रूल। क्वेश्चन रूल में आप लोगों के पास कुछ और चीजें होती हैं, देखिए मिसाल के तौर पे मैं बात करूं अगर के क्वेश्चन रूल में, कि भाई डिवीजन की बात करते हैं, वो क्या था, जैसे कि 5 / 5 पावर 5 है अपॉन 5 / 2 है, लेकिन डिवाइड कर रहे हैं ना एक दूसरे को, 5 और 5 डिवाइड कर रहे हैं, दोनों क्या है आपस में डिवाइडेड है, और दोनों बेसिस सेम है, बेसिस क्या है सेम है, बेसिस सेम हो गए तो क्या होगा, ऊपर वाला 5 है ना, इधर 5 ऐसे खड़ा होगा, इसका पावर जाके ऊपर माइनस करेगा, मतलब प्लस का है तो ऊपर जाके माइनस करेगा, तो किसके बराबर आएगा, ये बराबर आएगा 5 पावर 3 के, समझ आ रही है। लेट से कि अगर मैं कहूँ कि भाई 6 पावर 4 / 6 - 2 हो जाए, तो ये किसके बराबर आएगा, 6 पावर 4, ये माइनस के ऊपर जाके प्लस होगा, फिर गेटिंग 6 पावर 6 हो जाएगा। पावर 6। अगर मिसाल के तौर पे मैं यूं कहूँ ना कि a पावर m / a पावर, एक मिनट जरा, एक मिनट जरा जरा रुकी जरा रुकी जरा रुकी रुकी शाबाश, अब मैं यहाँ पे मस को ना चेंज करते हुए आगे बढ़ रहा हूँ, ठीक है। अच्छा इधर देखें जरा, अगर मैं मिसाल के तौर पे कहूँ कि भाई a पावर m है अपॉन a पावर n है, ये किसके बराबर होगा, a पावर m - n के बराबर होगा, -m ठीक है, a पावर m - n के बराबर होगा। अगर मैं कहूँ कि भाई बेसिस डिफरेंट हो, a/b हो, मगर इसका भी m हो इसका भी m हो, इसको मैं क्या लिखूंगा, a/b करके होल पावर m कर दूंगा, ठीक है, पावर दोनों का सेम है तो मैं सेम कर सकता हूँ। गाइस गेटिंग? जी आर यू गाइस गेटिंग? यस सर, शाबाश बहुत अच्छे यस बहुत अच्छे। सर।
ओके, माशाल्लाह, गुड हो गया, डन 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 डन, शाबाश। अच्छा इधर देखें विपरीत बुधान से, जी, अच्छा विपरीत बुधान से, पोएट्री बताओ, पोएट्री बताया, केर केर चाहे तो पोएट्री बताया वाला, अगर मेजोरिटी के चौंधी अगर ता तो वोट 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 हो वाला इनन का। सब चाहिए वहीं खेत में। सर मामा पे बताएं, हाँ मामा पे बताएं, मदर पे, अच्छा हाँ, वो माँ मेरे पास पे। थी, आई थिंक मेरे पास थी। हाँ यस एक सर, मिनट मेरे पास थी एक पोएट्री, मदर पे थी माशाल्लाह वो। एक मिनट एक मिनट एक मिनट, अल्लाह करे मिले मुझे। एक मिनट एक मिनट, सर क्या मुझे मिल जाएगी? एक मिनट मैं थोड़ा इसको मतलब पॉज कर लूँ रिकॉर्डिंग को। हाँ चलो रिकॉर्डिंग में जाएगा, दूसरे भी एंजॉय करें, है ना। अच्छा व्हाट से, हाँ स्टूडेंट को कल से इंशाल्लाह स्टूडेंट का भी वो होगा ना। अच्छा कहते हैं कि नाज़ो अंदाज़ से कहते हैं कि जीना होगा, क्या कहते हैं? नाज़ो अंदाज़ से कहते हैं कि जीना होगा, जहर देते हैं तो कहते हैं कि पीना भी होगा, हैं? जब मैं पीता हूं तो कहते हैं कि मरता भी नहीं, जब मैं मरता हूं तो कहते हैं जीना भी होगा। हालत डिस्कवरी, हाँ असल पाकिस्तानी मानो ना उल्टा मानो ही ना। अच्छा बर्दाश्त कर इन चीजों को, सही है ना। अच्छा, थोड़ा आगे चलेंगे। गुड गाइस, माशाल्लाह बहुत अच्छे, बहुत अच्छे, बहुत अच्छे, बहुत अच्छे। सो आई थिंक वी मस्ट मूव। आज की पोएट्री इतनी बड़ी अच्छी नहीं थी, मगर यार मेरे से मामा पे थी तो सही है क्या। अच्छा कुछ अल्फाज और हैं जो मैं आप लोगों को सुना देता हूँ। आजकल मतलब कोई एहसान नाम का बंदा है, उसने क्या कमाल का कहा है, कहता है कि ये क्या हम बन के बैठे हैं कि दुनिया चुन के बैठे हैं, क्या ये क्या हम बन के बैठे हैं कि दुनिया चुन के बैठे हैं, नसीहत की किताबों को परे हम डाल बैठे हैं, सभी से बदगुमानी की लकीरें खींच बैठे हैं, सफर की राह हमें अपने किया पैरों को है जख्मी, समेटा दर्द को हमने वो मंजिल छोड़ बैठे हैं, फरमाने इलाही के सभी अहकाम को हमने, क्या फरमाने इलाही के सभी अहकाम को हमने दिलों के सरजमीनों से निकाले भूल बैठे हैं। अगर फरमाने इलाही हमारी नजर पे आ जाए ना तो बहुत कमाल हो जाए, ठीक है, कि शिकवे गिले ये सब चीजें मतलब ऐसा समझे दूर हो जानी है, ठीक है। अच्छा कल कोई और स्टूडेंट ले आएगा, समझ आ रही है, दूसरी क्लास में, कल हमारी सेकंड क्लास है ना, चलें गुड हो सर गई मैं आइडिया, जी। सर मैं बताऊं, शाबाश राइला, अल्लाह को भूल गए लोग फिक्रे रोजी में, अल्लाह को भूल गए लोग फिक्रे रोजी में, तलाश रिज़्क़ की है राज़िक़ का ख्याल ही नहीं। हाँ, यही है ना, यही तो मसला है। खुदा ने कहा मैंने रोजी आपको देनी है और आप रोजी के पीछे ना जाएं, आप वो काम करें जो आपके काम आपके लिए काम सौंपा गया है ना, फराइज को ना छोड़ें। हम लोग पता क्या हकूक, ये थोड़ा बड़ा हो जाएगा, मैं थोड़ा बता देता हूँ, ठीक है। हुकूकुल इबाद और हुकूकुल्ला में हम लोग थोड़ा डिफरेंस कर रहे हैं, किसमें हुकूकुल इबाद एंड यस सर, हुकूकुल्ला, है ना, ये फर्क होता है। तो हुकूकुल इबाद जो ऑब्वियसली फर्स्ट प्रायोरिटी है, हुकूकुल इबाद, अगर हुकूकुल इबाद आप मतलब बंदों के हुकूक पूरे कर रहे हैं तो खुदा खुश होता है, मगर खुदा को छोड़ के अगर हुकूकुल इबाद करें ना, आजकल जैसे ऑब्वियसली वो कहते हैं ना कि इंसानियत जो है वो मजहब अकबर है, इंसानियत मजहब अकबर है, सच है ना, ज्यादातर कहते हैं इंसानियत जो है वो मजहब अकबर है। भाई इंसानियत मजहब अकबर, मजहब अकबर नहीं कह सकते, इंसानियत को एक अकबर होने का दर्जा गिवेन है किसी मजहब में, मगर इंसानियत मजहब नहीं है। अब इंसानियत को मजहब क्या कहना, लोग क्या कर रहे हैं हुकूकुल्ला को छोड़ के इंसानियत के पीछे पड़ रहे हैं। देखिए हुकूकुल्ला को छोड़ के हुकूकुल इबाद के पीछे जाएंगे तो ये घाटा है, तो फिर ये घाटा है। तो वो क्यों क्यों कहते हैं कि आपके लिए आपकी औलाद, आपका माल, औलाद, इवन औलाद, देखिए औलाद को अच्छी परवरिश करना एक इबादत है, मगर क्या कहा गया, औलाद आपके लिए चैलेंज है, आपका माल चैलेंज है, क्यों, किस राह में चैलेंज है, हुकूकुल्लाह की राह में चैलेंज है। अगर हुकूकुल्लाह की राह में नहीं चल रहे आप, हुकूकुल्लाह ऑब्वियसली अल्लाह के हुकूक जो नहीं पूरे कर रहे हैं, फराइज वो जो फराइज चीजें हैं वो नहीं पूरे कर रहे हैं, तो आपके लिए औलाद भी और माल भी, औलाद भी और माल भी घाटा है, समझ आ रही है। उस वाले से हुकूकुल इबाद सिर्फ जो है हुकूकुल्लाह के अलावा
वो क्या है, वो घाटा है आपके लिए। हाँ, पहला हुकुकुल्ला और हुकुकुल इबाद अगर दोनों सही है तो देन यू आर सक्सेसफुल इन योर लाइफ मैन, मुबारक। अच्छा इधर देखें, आगे चले थोड़ा, यस एग्जैक्टली। शाबाश, गुड। अच्छा इधर देखें, यू नो गाइस, मुझे ना माशाल्लाह 2 साल का ना वो मतलब आलिम कोर्स भी किया हुआ है ना, तो इस वाले से मतलब थोड़ी ये टर्मिनोलॉजी मतलब अलहमदुल्ला थोड़ी बहुत आती है। इधर देखें, क्योंकि हमारे पास मुस्लिम और नॉन मुस्लिम दोनों होते हैं ना, उस वाले से मैं इन चीजों में नहीं जाता, बट बाय द वे ऑब्वियसली हुकुकुल्ला या हुकुकुल इबाद जो कंसेप्ट तो खुदा का ही है। अच्छा इधर देखें जरा, शाबाश, गुड गाइस। अब इधर देखिए, ये हो गया क्वेश्चन रूल, हो गया प्रोडक्ट रूल, हो गया। अब मैं एक और बात बता रहा हूँ आप लोगों को, इधर देखिए जरा, मेरी बातें बर्दाश्त किया करें थोड़ा बहुत। इधर देखें जरा, शाबाश, लुक भाई, मैं अगर कहूँ ना कि भाई किसी के पे पावर 0 आ जाता है तो किसके बराबर होगा, 1 के। किसी का भी पावर, जैसे कि 1000 0 आ गया, 1 के बराबर आ गया। लेट से कि मैं कहता हूँ कि भाई 2/3 आ गया, मगर पावर 0 आ गया, तो किसके बराबर हो जाएगा, 1 के बराबर हो जाएगा। आर यू गाइस गेटिंग, भाई ये क्यों होगा, वाई 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 की बात है। देखिए मिसाल के तौर पे अगर मैं बात करूं आप लोगों को, मैं मिसाल के तौर पे ये कहूं आप लोगों को कि भाई थोड़ा इधर बर्दाश्त करके, इधर थोड़ा देखना है, इधर इधर शाबाश, निगाहें करम इधर हो, शाबाश, दिमाग मुबारक भी इधर हो, ठीक है, दिमाग मुबारक में कोई और ना घूमे, इधर देखिए जरा, शाबाश। मिसाल के तौर पर मैं कहता हूँ आप लोगों के, भाई ए अपॉन ए, कोई बताएगा ए अपॉन ए किसके बराबर है? जी a2 ए ए ए पावर नहीं, ए अपॉन ए इज इक्वल टू 1 के बराबर है, होगा सर, 1 के। शाबाश, 1 के बराबर है। अगर मैं ये कहूँ कि अब एक्सपोनेंशियल रूल लगे, अगर दोनों बेस सेम है तो ऊपर 1 है ना, 1 - 1 हो जाएगा, ऐसा है, 1 - 1 हो जाएगा, ये भी एक्सपोनेंशियल रूल लगा सकते हैं, तो 1 - 1 किसके बराबर होगा, ए पावर 0 के। तो भाई देखिए सेम ही है, सेम ही है, ये 1 के बराबर हुआ है, तो अगर एक्सपोनेंशियल रूल देखे तो ए पावर 0 है, इसलिए ए इज इक्वल टू मतलब ए पावर 0 इज इक्वल टू 1 होता है। अगर मैं 1000 / 1000 करूं तो ये किसके बराबर है, 1 के बराबर है। अगर मैं एक्सपोनेंशियल की बात करूं तो 1000 जो है वो 1 - 1 होगा, क्योंकि बेसिस दोनों सेम है, पावर जो ऊपर जाके माइनस करेगा, इट विल बी 1000 / 0, तो किसके बराबर होगा, 1 के बराबर होगा। समझ आ रही है? यस सर, हाँ तो ये चीजें आप लोगों को थोड़ा बहुत अंडरस्टैंड करना होगी। आर यू गाइस हियरिंग? अच्छा सर, शाबाश, अब मैं थोड़ा ऊपर जा रहा हूँ। देखिए पावर जिस, पहले तो ये समझ लेना है कि पावर जिसके भी ऊपर आ जाए वो आप लोगों को मतलब समझना होगा कि मतलब 0 पावर जिसके भी ऊपर आ जाए, ये 10 मिनट में एंड होगी, याद रखिए, ठीक है। अच्छा लुक, अब मैं बता रहा हूँ, अब मिसाल के तौर पे मैं आपको कहूँ ना कि कोई माइनस में है, मिसाल के तौर -2 है, यहाँ पे एन है, एन का मतलब है अगर कोई भी पावर आ जाता है इधर, ठीक है, अगर कोई भी पावर आ जाता है, इफ इट इज ऑड, अगर ये ऑड आ गया तो ये माइनस का माइनस ही रहेगा, माइनस का माइनस ही रहेगा, समझ आ रही है, यहाँ पे माइनस रहेगा। अगर मैं कहूंगा माइनस का 2 है और यहाँ पे एन है, और ये ना एन आप लोगों का इवन है, एन आप लोगों का अगर इवन है तो व्हाट इट विल बी 2 पॉजिटिव, ये ऑटोमेटिक पॉजिटिव हो जाएगा, माइनस जो 2 है, प्लस का है भले ऑड हो या मतलब इवन हो, अगर बीच में प्लस का है उससे फर्क नहीं पड़ता, प्लस तो प्लस ही रहेगा भले ऑड हो या मतलब इवन हो। मिसाल के तौर पर मैं कहूँ कि -2/2 है, क्या होगा, -2 × -2, इसका मतलब यही है ना, -2/3 है, इसका मतलब क्या, -2 × -2 × -2। तो भाई मैं अगर बताऊं आप लोगों को कि देखिए 2 × 2 4 के बराबर है ना, तो -×- किसके बराबर होगा, प्लस के, तो प्लस में चेंज हो गया। अगर इसकी बात करूं -×- प्लस है, तो +×- फिर माइनस आ गया, तो माइनस का क्या आ जाएगा, 8 आ जाएगा। देखिए ये ऑड है, ये क्या इवन है, तो इवन वाला क्या आ गया, 4 आ गया, तो 4 को मैं फिर से 2/2 लिख सकता हूँ। देखिए इसको ऐसे लिख सकता हूं ना, देखिए इसको डायरेक्ट मैंने ऐसे लिखा, अब देखिए अगर -8 है, फिर अगर मैं इसको लिखूं -2/3, तो फिर मैं लिख सकता हूं, मगर बात यह है कि अगर इवन होगा तो भले डायरेक्ट आप मिसाल के तौर पर मैं कहूँ कि -2/ मिसाल के तौर पर 10 है, तो इसको मैं 2/10 भी लिख सकता हूँ, माइनस हटा के, क्योंकि ये इवन है, क्योंकि ये क्या है, इवन है। आर यू गाइस गेटिंग? यस सर, शाबाश 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 शाबाश, गुड हो गया। अब ये चीजें ऑब्वियसली, ये चीजें आप लोगों को थोड़ा ऑब्वियसली प्रैक्टिस में लाएंगे, आप लोग इसी इन्हीं इन्हीं चीजों को आदत बनाएंगे तो ऑब्वियसली आप लोगों की आदत एक अच्छी शक्ल में आउटपुट देगी, समझ आ रही है? अच्छा लुक, अच्छा इधर देखें जरा, शाबाश, अभी इवेंट वगैरह का तो हो गया ना,
अब मिसाल के तौर पे मैं आप लोगों को कहूँ, लेट से मैं एग्जांपल देता हूँ कि भाई मिसाल के तौर पे अगर मैं कहूँ ना कि 2 पावर -3 है अपॉन 4 पावर, सॉरी 5 पावर, अगर कर दो 5 पावर -4 है, तो ये पॉजिटिव कब होगा, क्योंकि ये दोनों नेगेटिव है, ये अगर नीचे आएगा तो पॉजिटिव हो जाएगा, ऊपर चला जाएगा तो पॉजिटिव हो जाएगा, तो क्या हो जाएगा 5 पावर 4 अपॉन ये 2 पावर 3 नीचे आ जाएगा, तो दोनों क्या हो जाएंगे 4, पॉजिटिव, क्या पॉजिटिव हो जाएंगे, ऊपर नीचे आएंगे तो पॉजिटिव हो जाएंगे। अगर लेट से मैं कहूँगी -2 पावर 3 है, 2 पावर -3 है, 2 पावर -3, ये नीचे अपॉन 1 होता है ना, नीचे 1 होता है, अगर नीचे 1 है तो अगर 2 पावर -3 को नीचे लाएंगे हाँ हाँ तो क्या होगा, 1 अपॉन 2 पावर 3 हो जाएगा, ये पॉजिटिव हो जाएगा। आर यू गाइस गेटिंग? तो ये नीचे आएगा यस पॉजिटिव हो सर, जाएगा, तो ये कॉन्सेप्ट समझ लें, आगे आप लोगों को काम आने वाले हैं। आर यू गाइस गेटिंग ना? अच्छा सर, अब मैं ऐसा कर रहा हूँ, अब मैं यस ऐसा कर रहा हूँ सर, गाइस गाइस, मैं ऐसा कर रहा हूँ, आप लोगों को मैं सवाल दे रहा हूँ, और मीटिंग को भी ऑब्वियसली 6 मिनट पड़े हुए हैं, क्लास वर्क मैं अभी आप लोगों को दे रहा हूँ, ये आप लोग मीटिंग के बाद 10 मिनट तक ये हल करेंगे, मैं थोड़ा खाना खा लूंगा, समझ आ रही है? हाँ अच्छा, क्योंकि ठंडा हो रहा है खाना ना। अच्छा ये आप हल करेंगे, -x/y ऐसे, और -x/y पावर 11, नंबर 2 x/9 / y/9, नंबर 3, नंबर 4, ठीक है के इधर देखिए जरा काया चो काया चो। अच्छा 12 पावर -3 ये आप लोगों को क्या करना है, पॉजिटिव में चेंज करना है, और उसके बाद नंबर 5 भी, सॉरी ये 3 होगा, ये 3 और यहाँ पे 4, नंबर 4 आप लोगों को ऑब्वियसली -1/10 जो है ये आप लोगों क्या आएगा -9, ये भी पॉजिटिव में करना है, उसके बाद नंबर सी जो आप लोगों का, सॉरी नंबर 5 जो है, नंबर 5 जो है आप लोगों क्या है -3/7, ये लिख आप लोग लिख लें, क्योंकि मैं मीटिंग खत्म हो जाएगी तो स्टार्ट नहीं होगी ना, तो ऑब्वियसली ये मेरे पास सेव रहेगा, 0 × ऐसे देखें -3/2, ये 2 गेटिंग, ये आप लोग सॉल्व करेंगे, और उसके बाद मैं आप लोगों को, सॉरी एक मिनट एक मिनट, माइक माइक बंद, लेके भी आयो माइक बंद के, शाबाश। एक नंबर एक और दे रहा हूँ, नंबर पांचवा है कि भाई -2/9 5 × -2/9 -5 upon 3/2 power 4 × 3/2 power -4, ये हल करें जरा, शाबाश ये हल करें, जिसको अगर समझ नहीं आ रहा है डोंट वरी, तब तक के लिए मैं थोड़ा खाना खा लूं, और आप लोग भी थोड़ा हल करें, जैसे मीटिंग एंड होती है तो फिर आप लोग भले 10 मिनट आप लोगों के पास होंगे मीटिंग एंड होने के बाद, लगभग ये मतलब 40 पे एंड होगी, तो हम लोग 50 में मिलते हैं फिर, ठीक है? अच्छा गाइस, बल्कि ऐसा करते हैं मीटिंग अभी यहाँ पे एंड करते हैं, क्योंकि अगला वाला जो टॉपिक है ना वो थोड़ा क्रिटिकल है, कम से कम भी वो हमें घंटा का आ जाएगा, तो घंटा ऊपर है नहीं हमारे पास, और मुझे लेक्चर भी अपलोड करना होता है, तो कम से कम मुझे 11 बज जाएंगे लेक्चर अपलोड करते करते वैसे ही। आर यू गाइस गेटिंग? और मुझे अंदाजा होगा कि आप लोग बोर नहीं होंगे, अभी भी आप लोग चाह रहे होंगे हम लोग पढ़े, है ना, लगभग 1 घंटा 20 मिनट भी हो गया है, और अभी माशाल्लाह थका नहीं हो आप लोगों की, मतलब आप लोगों की एक्टिवनेस को देख के ना। जी 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 जवेरिया, बुधायो बुधायो सवाल है। शाबाश जवेरिया, बड़ी भैया वधी उदायो, आई थिंक आवाज नहीं आ रहा, आवाज तो आ रहा है, मेरा आवाज आ रहा है, मेरा आ आवाज आ रहा रही है, चलो ठीक है ठीक है। सो गाइस सही है, सो कैन वी एंड दिस मीटिंग हियर? जी सर, जी शाबाश, सो मिलते हैं फिर कल इंशाल्लाह, कल हमारी क्लास होगी, और टाइम टेबल आप लोगों को मैंने भेज दिया है, प्लीज टाइम टेबल को फॉलो कीजिएगा, गेटिंग? सो उसी टाइम टेबल पे इंशाल्लाह आप लोगों का वो पूरी क्लास होगी, और फिर देखते हैं हम लोग फिर आगे क्या बनता है, प्लान करते हैं फिर इंशाल्लाह साथ हैं, सही है? सर। शाबाश, बहुत अच्छे।
जी, मैं भेज देता हूँ ये मैं आपको फाइल भेज देता हूँ आप लोगों को। सही है, ये फाइल भेज दूंगा आज रात तक, इंशाल्लाह वीडियो भी आप लोगों को आ जाएगी। सही है, सर वर्कशीट। वर्कशीट मैं भेज देता हूँ, वो भी इंशाल्लाह आप लोग भेज देता हूँ। सही है ना? थैंक यू सर, थैंक यू। वेलकम वेलकम वेलकम, शाबाश, थैंक यू सो मच। बस हंसते रहे, मुस्कुराते रहे, और हमेशा हमेशा अपनी फैमिली के साथ।